तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे अभी टाइम मिला है वीडियो शूट करने का। और जैसा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाई है, उसका नंबरिंग हो चुका है और उसमें कुछ माइनर से डिफेक्ट्स आए हैं, तो उस डिफेक्ट्स को हम जो है कल तक क्लियर कर लेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है फ्रेंड्स की, मैं देख रहा हूँ कि एटलीस्ट जो नॉमिनल एक्सपेंसेस है पिटिशंस के लिए डालने के लिए और उसको अर्जेंट हियरिंग करवाने के लिए और भी चीज़ें जो है रिलेटेड टू, तो उसका एटलीस्ट 25 to 30,000 भी अभी तक नहीं हमारे पास आया है। मैं अपने से लगा के कर रहा हूँ, तो मैं वही चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एज सून एज पॉसिबल अमाउंट्स को कलेक्ट कीजिए ताकि मुझे भी कोई हिचकिचाहट ना हो अपने मैटर को और इसको हम जीत हासिल कर पाएँ, ताकि जितनी जल्दी से जल्दी मैं अर्जेंट हियरिंग करवा सकूं। एक्चुअली अमाउंट इसी चीज़ का लगना है और इस बार पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे फेवर में आएगा ऑर्डर, और दो ही चीज़ होगी, 99% पॉसिबिलिटीज़ है यस की, और उसके लिए अपना ज़ोर लगा रखा है कि क्यों मिलेगा, क्यों मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्या इम्पैक्ट होगा, व्हाट इज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या रेलवे ने उस नोट रूल 20.2 को नहीं कंसिडर करके, नहीं हटा करके अभी तक ठीक किया है उस पर कंसिडर नहीं करके, तो ये सब चीज़ें आर्गूमेंट्स के लिए बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं जो कि होएगी। तो बस मैं इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो बनाइए, थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कीजिए तो कि अच्छे से हम लोग केस लड़ पाएँ और आप लोगों को मैं कुछ दिला सकूँ रिलीफ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप जैसे जितने भी रेलवे एस्पिरेंट्स हैं। और एक और चीज़ रखी जाएगी कि रेलवे कोई भी एग्ज़ाम अपना टाइमली नहीं करा पाती है, तो इस चीज़ को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में हम आर्ग्यू करेंगे कि एक डायरेक्शन ऐसी भी पास की जाए ताकि रेलवे को एक टाइम मतलब मिले कि इस टाइम को आपको वीडियोज़ जो है वो करनी है।